हेलो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को बची हुई रोटी का पोहा बनाना बताऊंगी। उसके लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं और रात की बची हुई रोटी को छोटे छोटे टुकड़े में कट करके उसे मिक्सी में ग्राइंड कर दिया है। आप देख सकते हो कि मैंने क्या क्या वेजिटेबल्स लिए हैं। टमाटो, पटेटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ओनियन एंड चिल्ली। जब और गर्म हो जाए तो हम इसमें चिल्ली डालेंगे। अगर आपके पास करी लिप्स हो, करी पत्ता, तो आप उसे भी इसमें डाल सकते हो। जब मेरे मिर्चा फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें एक एक करके सब्जी को ऐड करके फ्राई करेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, मैंने सारे वेजिटेबल को एक एक करके डाल के फ्राई कर रही हूँ। जब सब्जी हल्का फ्राई हो जाए तो मैं इसमें हल्दी डाली हूँ, फिर मैं इसमें गोल की जीरा का पाउडर डाली हूँ, सब्जी मसाला डाली हूँ। आपके पास चिकन मसाला होता है वो भी डाल सकते हो। सभी को डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर दी हूँ नमक स्वाद के अनुसार, और फिर इसमें रोटी भी डाल के मैंने मिला दिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा पोहा तैयार है। आप इसमें टमाटो सॉस, लेमन जूस, धनिया पत्ता सब डालकर इसे प्लेटिंग करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे ज़रूर ट्राई।